सशस्त्र सेना झंडा दिवस के उपलक्ष्य पर उपायुक्त चंबा एवं जिला सैनिक बोर्ड के अध्यक्ष डीसी राणा को जिला सैनिक बोर्ड के उपनिदेशक कैप्टन अनुमेहा पराशर ने झंडा लगाकर दिवस की शुरुआत की। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि झंडा दिवस सेना के प्रति हम सभी के सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि झंडा दिवस हमें एक आदर्श अवसर प्रदान करता है, जिससे हम उदार पूर्वक दान देकर सशस्त्र सेना के साथ स्नेह व कृतज्ञता से प्रकट कर सकते हैं। इस अवसर पर जिला सैनिक बोर्ड के उपनिदेशक ने विभाग की ओर से जिला स्तर के सभी कार्यालय में अधिकारियों को झंडा लगाकर इस खास दिवस के महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। 7 दिसंबर का दिन जो है फ्लैग डे के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। हमारी फौज में अलग अलग युद्ध के दौरान और अलग अलग एनकाउंटर्स के दौरान या काउंटर इंसर्जेंसी के टाइम पे आतंकवादी हमलों के दौरान जो जवान शहीद होते हैं या उनको किसी प्रकार की डिसेबिलिटी होती है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट, अदर सपोर्ट्स प्रोवाइड करने के लिए, साथ ही साथ वीर नारीज और उनकी फैमिलीज़ को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हम सभी भारतवासियों का ये फ़र्ज बनता है कि हम उसमें अपना योगदान दें। और फ्लैग डे के दिन हम उन्हीं के बलिदान को याद करते हुए, अपना अपने आप को कृतार्थ महसूस करते हुए, जो बेस्ट हम उनके सपोर्ट के लिए कर सकते हैं वो हम करते हैं। चंबा जिले में करीबन 5,000 एक्स सर्विसमैन, वीर नारीज और विधवाएं हैं, जिनको हम समय समय पर अलग अलग सहायताएं प्रोवाइड करते हैं। फ्लैग डे से जमा हुई राशि को विभिन्न प्रकार के कामों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि एजुकेशन स्कॉलरशिप देना, चशायर होम्स बनवाना या और प्रकार के होम्स बनवाना, और इसके अलावा फाइनेंशियल हेल्प्स। ऐसे कई सारे जवान हैं और फैमिलीज़ हैं जिनको किसी भी प्रकार की पेंशन नहीं मिलती है या कोई और तरीके की सहायता नहीं है। ये सभी हम नागरिकों की जिम्मेदारी है कि हम उनको एक ऑनर दें और उनका जीवन जो है एक सम्मानित जीवन उनको जीने के लिए प्रेरित कर सकें। यही फ्लैग डे का मकसद है और मेरा आप सबसे अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना योगदान दें। राज्य सैनिक बोर्ड में फ्लैग डे की वेबसाइट के ऊपर में जा कर के अपना कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करें।